हे शिव जी, मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम ले सकूं। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ शिवन्या, लो ये भभूत लगा कर जाओ। रास्ते में अगर कोई दुश्मन मिल गया तो इस भभूत से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मंजिल के सफर की शुरुआत हो चुकी है, जाओ शिवन्या। हाँ गुरुदेव, गजर का इशारा हो चुका है, मेरा इंतकाम दोबारा शुरू हो चुका है। मेरे माँ बाबा के कातिलों आ रही हूं मैं। जय भोलेनाथ। ऋतिक ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया है? अजीब इंसान है। ऋतिक, ऋतिक दरवाजा खोलो, मैं शिवन्या। तुम अंदर नहीं आ सकती। क्यों? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया है। बस दो मिनट। ये अंदर कर क्या रहा है जिसे देखो दरवाजे बंद करके राज दफनाते रहते हैं? अभी पता लगाती हूँ नागिन मन के। वेलकम मिसेज रहेजा। फिर दरवाजा बंद कर दिया, अब इसका क्या इरादा है? कैसा लगा? कैसी लगी फूलों की बारिश? आज की रात यादगार बनाना चाहती हूँ। वैसे लोग शादी की पहली रात सुहागरात मनाते हैं, हमारी थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, चलो मूड सेट करते हैं। सॉरी। जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना ऐसे वक्त में क्या करते हैं? नहीं। ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारी भी तो पहली है, इसीलिए तो बजाते हैं। मतलब जब एक लड़का और एक लड़की ऐसे अकेले होते हैं और मूड सेट करना होता है तो वहां म्यूजिक बजाते हैं। कान दो। हाँ? कान इधर लाओ, कुछ कहना है। आज की रात हम दोनों की रात सबसे खास रात।
ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस इंसान की तरफ क्यों खींची जा रही हूँ? नहीं, अगर मैंने प्यार कर लिया तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे, पर कैसे? ये यहां क्यों है? रात को हसीन बनाने के लिए। तो चलो मनाते। लगता है आज फुल मूड में हूं। एक और। ओके। शेषा। शेषा। मैं आ गई हूं अंकुश, रह जा। चाहे हजारों मौत दे दे मुझे, पर तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम न ले लूं। आ गई हूं मैं। शिवन्या, शिवन्या आ गई। शिवन्या, किसे देख रही हो इतने प्यार से बाहर? मुझे भी देख। अब तुम्हें देख रही थी। मुझे इस जंजाल से बाहर जाना होगा। गैस पे दूध रख के भूल गई, अभी आई। कुक कर लेगा। उसकी मैंने छुट्टी कर दी। वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने कहा कि घर चले जाओ। ऐसे काम क्यों करती हो? अभी आई।
शिवन्ना नागिन शिवन्या तुम ठीक हो गई शिवन्या मैं बहुत खुश हूँ शेषा तुम न होती तो मैं भी नहीं होती मेरी मौत हो चुकी होती मेरा इंतकाम अधूरा रह जाता इच्छाधारी नागिनों के इतिहास में एक नागिन की कहानी अधूरी रह जाती अधूरी कहानी पूरी करने आए हैं हम शिवन्या अधूरे कैसे चले जाए शिवन्या अब तुम घर जाओ वरना ये राज खुल जाएगा कि दो नागिन यहाँ इंतकाम के अफसाने लिख रहे हैं शिवन्या लौट आई जय भोलेनाथ शैलेश 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 उठो जल्दी उठो शैलेश शैलेश उठो क्या हो गया क्या हो गया कोई भूत नहीं देख ली क्या क्यों चिल्ला रही हो आधी रात को मैंने नागिन को देखा मैंने नागिन को देखा मैंने आराम से हिलो मत और घबराओ भी मत मैं हूँ ना मुझे पूरी पूरी बात बताओ क्या हुआ वो जो शिवन्या है ना वही वही नागिन है नागिन है शिवन्या किटी पार्टी में ज्यादा चढ़ा रही थी क्या अरे मैंने कहा ना मैंने देखा तो देखा है अपनी आंखों से देखा है नागिन है शिवन्या तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया तन्वी के मरने के बाद तुम पूरी की पूरी पागल हो गई हो तुम्हें हर जगह वो नागिन नजर आने लग गई है काम का बकवास करती जा रही हो और मेरी नींद अलग खराब कर दी है अरे उठ के बैठो शैलेश मैं कह रही हूँ ना मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे नागिन बनते हुए देखा मैंने इसका मतलब तन्वी सही कह रही थी वो मेरे पास आई थी मगर मैं सेल्फी लेने में बिजी थी उसने भी जरूर ना शिवन्या को नागिन बनते हुए देखा होगा वो डरी हुई थी वो और मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी तो मैं अपने फिगर से फुर्सत मिले तब ना अब ये सब छोड़ो करना क्या है करना क्या है चलो एंकी के पास चलते हैं बड़ा गुमान था ना उसे अपनी उस बहू पे मेरी बहू और वो यामिनी भाभी उन्होंने भी तो तन्वी को उस लड़की की खातिर छोड़ा था ना अब मैं बताता हूं जाके वो लड़की लड़की नहीं नागिन है नागिन उनकी जान की दुश्मन तुम चलो मेरे साथ चलो चलो जल्दी चलो आ गई सारे काम करके हो गया सब कुछ जानती हो कब से इंतजार कर रहा हूं इस दिन का पहले दिन से जब भी तुम्हारी आंखों में देखता था तो सोचता था कि जो प्यार मेरी आंखों में तुम्हारे लिए दिखता है वो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए देखो तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं और पूरी दुनिया से कहूं तुम मेरी हो आज कोई दीवार नहीं ओके ना तकिए की ना दिल के आज सिर्फ प्यार है मेरी गैर मौजूदगी में शेषा ने ऐसा क्या किया कि ऋतिक इस हद तक शर्मा रही है आज इतनी शराब पी ली है कि होश खो बैठे हो जानते हो ना हमारा रिश्ता क्यों अपमान कर रहे हो उस रिश्ते का वो रिश्ता तुम ही तो चाहती थी ये रिश्ता हर दो दिन बाद तुम इस रिश्ते पर क्यों आ जाते हो क्यों मुझे बार बार हदें दिखानी पड़ती है क्यों तुम बार बार हदें तोड़ देते हो दोस्ती तय की थी ना हमने दोस्ती है दोस्ती की एक हद है कहा था ना हाँ दोस्ती थी सही दोस्ती
जानता था तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती हो, पर प्यार तो करती हो। कई बार देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में, और आज आज तो तुमने खुद इजहार किया था। मैंने शुरू नहीं किया था, तुमने इशारा दिया था, कार्ड दिया, फिर मैसेज दिया कि ऋतिक मुझे भी तुमसे प्यार है। अब ये प्यार इस मोड़ पर आ गया कि मैं आज की रात एक यादगार रात बनानी चाहती हूं, मैं और तुम, हम दोनों, तुम्हारी शिवन्या। मुझे लगा मुझे मेरा प्यार मिल गया, फिर मैं गलत, फिर तुम गलत, फिर तुम मुझे यहां तक लेकर आई मेरे जज्बातों के अखेर, फिर ये फिर क्या है शिवन्या? क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें शादी में नहीं रहना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम रुक गई। तुम्हारी आंखें कुछ बोलती हैं और तुम कुछ। क्यों शिवन्या क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ठरकी टाइप लड़का हूं जो तुम्हारे साथ हर रात? पति हूं तुम्हारा, हक है मेरा, पर वो भी नहीं चाहता जब तक तुम नहीं चाहती। तुम मुझे नहीं बताती कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो। बोलो शिवन्या, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ या ना शिवन्या? मैं इंतजार करूंगा उस रात का, उस रात तुमसे प्यार करूंगा जिस रात तुम भी मुझसे प्यार करो। पर पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। बर्दाश्त नहीं होता अब तुम्हारी ना में और हाँ में ना। तुम्हारी आंखों में मुझे ये जो प्यार दिखता है वो है या नहीं? जवाब दो। ऋतिक, मुझे दर्द हो रहा है। अब नहीं होगा। मिल गया मुझे जवाब। अब सिर्फ एक दोस्ती रहेगी, एक तुम, एक मैं और एक दीवा। जब तक यहां रहना चाहती हो रहो, नहीं रोकूंगा। फिर ऋतिक, ऋतिक सुन, शेषा, शेषा ये तुमने क्या कर दिया? रम्या तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो तुम? शिवन्या और नागिन? भाभी मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे नागिन बनते हुए। बस भाभी बस, अब मैं अपने बहू के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। पिछली बार भी उस पर शक किया था और वो गुरु माँ को बुलाकर वो लॉकेट का ड्रामा किया था सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन बस अब नहीं, इस बार नहीं, दोबारा नहीं। हाँ रम्या, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, बहू है वो मेरी। इस तरह बार बार उस लड़की पे शक करना अच्छी बात नहीं है। उसने बार बार मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है, वो ढाल है मेरे बेटे की, कोई नागिन नहीं। अगर नागिन होती तो इस तरह बार बार ऋतिक को नहीं बचाती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रम्या। भाभी जी एक मिनट, अगर रम्या कह रही है तो एक बार चेक कराने में क्या हर्ज? शैलेश, अगर वो नागिन होती ना अब तक मुझे डस चुकी होती, इसी घर में रहती है ना, हजारों मौका मिले उसे, डस लिया होता उसने मुझे। भाई साहब आप एक बात मत भूलिए कि उसने वीरेन और सूरी को धोखे से डसा था। वो ना मौके का इंतजार करती है, और अगर वो आपको नहीं डस रही है ना तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। रमा भाभी, नागिन के लिए कोई वजह नहीं होती है, नागिन के लिए सिर्फ शिकार होता है, शिकार। भाई साहब देखो, हम दोनों तो आपकी भलाई के लिए आए थे, बाकी आपकी मर्जी, भाई दोस्त है मैं आपके। ठीक है, तो तुम ये कहना चाहती हो रम्या कि तुमने अभी अभी शिवन्या को इस घर से बाहर जाते हुए देखा है ना? लेकिन शिवन्या तो घर पे ही है। भाभी मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा नागिन बनते हुए, और एक बार पूछने में हर्ज क्या, मुझे ये बताओ आप। नहीं भाभी बस। अरे यार एंकी, मेरी एक बात सुन, रम्या झूठ क्यों बोलेगी यार? देख इतने हादसे हो चुके हैं, हम अपनी बेटी तक खो चुके हैं यार। मैं नहीं चाहता कि अब वो नागिन किसी और को डसे। मेरी बात सुन यार, तू एक बार चेक क्यों नहीं करवा लेता? ठीक है।
तो तेरी तसल्ली के लिए मैं शिवन्या को नीचे बुलाता हूं, लेकिन याद रखना अगर वो नागिन नहीं हुई ना तो ठीक है, हम तेरे सामने खड़े हैं, तुझे जो करना हो कर लेना। ऋतिक बेटा, शिवन्या कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में। शिवन्या नीचे आओ बेटा। रम्या, शिवन्या अभी नीचे आ जाएगी और साथ साथ सच्चाई क्या है ये भी आप लोगों के सामने आ ही जाएगी। ये सब लोग यहाँ, अब कौन सी नई परेशानी खड़ी कर दी है इस शैलेश और एंकी ने? क्या हुआ माँ? अब बेटा तुम, हमें ना सब पता चल चुका है। हो कौन तुम है, चाहती क्या हो, क्यों पड़ी उस घर के पीछे हाथ धोके? हाँ दे दो इनके सवालों के जवाब। बताओ कौन हो तुम? देखो शिवन्या, रम्या ने तुम्हें नागिन बनते हुए देखा है, तुम्हारा असली चेहरा इन लोगों के सामने आ चुका है। बताओ कौन हो तुम? नागिन हो तुम? क्या बोलेगी ये, धोखा दे रही है हमें ये। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, नागिन है ये, मैं भाभी बोल रही हूँ नागिन है। लगता है इस घर में मेरा किरदार खत्म हो गया है, मेरा असली रूप सामने आ गया है, अब कैसे छिपाऊं इन सब से? नागिन हूं मैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी पे इतना बड़ा इल्जाम? और माँ, माँ आप भी, आप कैसे शक कर सकती है शिवान्या पे? वो इस घर की बहू है, उसने मेरे साथ तब शादी की जब तन्वी मंडप छोड़ के भाग गई थी, उसने मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान बचाई, हर दुख दर्द में सबका साथ दिया, तो ये नागिन कैसे? माँ आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बचा रहे हो, तुम इंसान हो या फरिश्ते? ऋतिक बेटा, तू इस नागिन की बातों में मत आ, ये नागिन जंतर मंतर जादू टोने सब जानती है और इंसानों को वश में कर लेती है ये, और ये तू नहीं बेटा, इसका जादू बोल रहा है नागिन। प्लीज, आप मेरे पत्नी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते, वो कोई नागिन नहीं है। ए यार, वो तेरी पत्नी नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन जो बदला लेने आई है। तू देखना, धीरे धीरे इस घर के हर मेंबर को वो खा जाएगी। शिवन्या, तुम चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देती इनके सवालों का? मां, ये क्या बोलेगी, पकड़ी जो गई है ये, देख लो बुलवा के अगर बोल सके तो। शिवन्या क्या हुआ, तुम चुप क्यों खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? भाभी अगर ये बोल भी देगी कि नागिन नहीं है तो क्या आप लोग मान लोगे? बैठ जाओगे हाथ पे हाथ रख के, सबको डस लेगी मैं बोल रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा नागिन नहीं है भाभी। बस बस, अब कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर इसने जवाब दे भी दिया कि ये नागिन है तो आप लोग मान लेंगे? हाँ, फिर बोलेंगे कि साबित करो ये नागिन है ना, तो फिर इस बात को साबित करने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए कि शिवन्या नागिन है या नहीं, बस अब एक ही रास्ता बचा हुआ है। देखना भाभी, अभी गुरुमा आएंगी ना तो इस शिवन्या की असलियत सामने आ जाएगी, बहू है नागिन नहीं है। जय मां काली, जय मां काली, जय काली मां, जय जय मां काली। बेटा भाभी को लेके आओ।
गुरुमा, क्षमा चाहते हैं। आपको इस तरह अचानक बुलाना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी है कि रम्या का कहना है कि कहना क्या है, करना क्या है गुरुमा, देखना है बस। मैंने ना अपनी आंखों से ना इसे नागिन बनते हुए देखा, बस आप इसका पर्दाफाश कर दीजिए। हाँ गुरुमा, इनकी तसल्ली के लिए आपको यहाँ बुलाया है। नागिन, अगर मेरी शक्तियां होती तो इस नागिन को बीन नहीं, मेरी आंखों ने भेद कर देती। एक पल में मैं सुनकर बता देती कि ये नागिन है या नहीं। कहना क्या है गुरुमा, है ये नागिन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मानो ना मेरी बात। अब अगर मेरी शक्तियां भी नहीं है तो क्या हुआ, उस अंगूठी का कहर तो है। इन सपेरों के बीन की लहर तो है। तू जहर जहर, मैं असर असर। बोलो जय मां काली। जय मां काली। गुरुमा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं अभी इसी वक्त इसका पर्दाफाश कर देती हूं। अभी बता देती हूं तुम सबको, ये नागिन है या नहीं। मैंने जो अंगूठी दी थी तुम लोग की रक्षा के लिए, वो निकालो। हाँ, निकालो उसे। और रख दो इसके हाथ में। अगर ये नागिन है तो ये अंगूठी छूते ही भस्म कर देगी। अपना हाथ दो। डैड, ये सब क्या है? प्लीज ये सब मत कीजिए। ऋतिक, आज रम्या और शैलेश का शक दूर कर देते हैं, नहीं तो कल से ये फिर सवाल उठाएंगे और फिर से हमारी बहू पर इल्जाम लगेगा। अपना हाथ आगे करो। आज मेरा असली रूप सामने आ जाएगा। हे शिव जी, रक्षा करो। कुछ नहीं हुआ डैड। गुरुमा, गुरुमा कुछ नहीं हुआ? कुछ होता तो होता ना। नहीं भैया, बहुत कुछ है गुरुमा, आपकी आपकी शक्तियां नहीं है ना अभी। ले लो अंगूठी, वापस ले लो।
ये पहली परीक्षा पार कर ली है शिवन्या ने, लेकिन अब दूसरी परीक्षा बाकी है। और अगर ये नागिन है तो वो परीक्षा पार नहीं कर पाएगी। नागिन नागिन सामने आ जाएगी। क्या दूसरी परीक्षा गुरु मां? शिवन्या कोई नागिन नहीं है। अगर शिवन्या नागिन होती तो इस अंगूठी से उसकी सच्चाई सामने आ जाती। वो नागिन नहीं है, प्लीज उस पे शक मत कीजिए। ऋतिक बेटा, हमें कोई शक नहीं है। हम बस ये चाहते हैं जो रम्या और शैलेश भाई साहब ने हमारी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया है उसे झूठा साबित कर दे। मत रोको गुरु मां को। काम नहीं आ रही, कोई योग प्रयोग असर नहीं दिखा रहा है। लेकिन हाँ, एक आखिरी परीक्षा बाकी है। बजाओ बजाओ। मैं नागिन हूं। हाँ मैं नागिन हूं, यही लगता है ना आप सबको, इसीलिए मैंने ये नृत्य किया। अब आप ही बताइए गुरु मां, क्या मैं नागिन हूं? नहीं, तो नागिन नहीं हो सकती। अगर नागिन होती तो अब तक असली रूप में आ जाती, भीम की आवाज पे नागिन बन के लहराती। ना, तो नागिन नहीं है, नहीं है, नहीं है ये नागिन। अगर तू चाहती है मैं तेरा जहर धारण कर लूं, तो कर लूंगा,
तेरी सांसें आ जाएंगी पर तेरी शक्तियां चली जाएंगी। शक्तियां गई हैं, मरी नहीं हैं, फिर पाओगी तुम अपनी शक्तियां। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के जन्म की रात रात 12 बजे वो आएगा, शेषनाग की सेज वाला गोकुल का वो राजा आएगा, फिर तुम्हें शक्तियां लौटाएगा। अब वही कृष्णा दे सकता है तुम्हें तुम्हारी शक्तियां, उसी का वश चलता है कालिया नाग पर। उसने कालिया मर्दन करके यमुना के पानी की शक्ति लौटाई, वो लौटाएगा तुम्हें भी तुम्हारी शक्तियां। वो आएगा जन्माष्टमी की रात बंसी बट वाला यमुना तट वाला, वो आएगा निकट तो विकट से विकट शक्तियां भी आ जाएंगी। कृष्णा को प्रसन्न करना होगा, उसे जागृत करना होगा। तुम ठीक तो हो जाओगी पर कृष्ण जन्म से पहले अपनी नागिन की शक्तियां वापस नहीं ले पाओगी। हे शिव जी, आपने मेरी शक्तियां ले ली, इसके पीछे भी वजह थी, वरना आज मेरी शक्तियां ही मेरी दुश्मन बन जाती। जय भोलेनाथ। माँ, जो कुछ भी हुआ आज अच्छा नहीं हुआ। क्या ये सब? कोई भी भार वाले आ जाते हैं, आपके बहू पर शक करते हैं और आप उसे सबके सामने शर्मिंदा करती हैं। एक बार पहले भी इनके कहने पर और आज फिर। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है आज तुझे अपना दोस्त कहते हुए। हमेशा मेरी बहू पर शक करता है, खुद तो गंदी सोच रखता हो मेरे घर पे आकर। लानत है ऐसी दोस्ती पर। और आप हमेशा मेरी बीवी को भड़काती रहती हैं मेरी बहू के खिलाफ। अरे आखिर आपकी इससे दुश्मनी क्या है? भगवान के लिए मेरा घर तोड़ना बंद कीजिए भैया। मैंने अपनी, अरे बस, अब एक और शब्द नहीं। आपके देखने से या आपके सोचने से मेरा घर और मेरे रिश्ते नहीं चलने वाले। खबरदार, जो आइंदा ऐसी ओछी सोच लेकर आप मेरे घर पे आई तो। हाँ रम्या, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पहले उस चेन को लेकर तुमने हंगामा खड़ा किया और अब ये तमाशा। और तू, तमाशा करने वालों की मेरे घर में मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। कैसी गंदी सोच है रे तेरी। लानत है तेरी दोस्ती पे। तू तो मेरा घर तोड़ देगा। नहीं, इससे पहले मैं तेरी दोस्ती तोड़ता हूं। आज के बाद तेरे साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई बिजनेस नहीं। आज से सारे रिश्ते खत्म। तू निकल यहां से, निकल मेरे घर से। आई से गेट आउट। जमनी भाभी, मैंने तो जो देखा वही बताया। अब ये हो गया तो ऐसे बरसों के रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं आप? इतने सालों का बिजनेस, अगर हमने बिजनेस छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो इस शहर छोड़ना पड़ेगा। भाभी, आप ही समझाइए ना भैया को। बस रम्या, बस। अब समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर ये लोग शहर छोड़कर चले गए तो मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? इन्हें रोकना होगा। नहीं माँ, इसमें रम्या आंटी की कोई गलती नहीं है। वैसे भी उस नागिन के डर से सब डरे हुए हैं इस घर में। ये भी उस डर का ही एक असर है। शायद ये उस नागिन की ही एक चाल होगी कि आप लोगों की दोस्ती टूट जाए, दूर हो जाए आप एक दूसरे से और उसका बदला आसान हो जाए। आपने देखा ना कैसे वो गुरु माँ के रूप में आई थी यहाँ और आप सबको धोखा दिया उसने। उसी ने मेरे रूप में आकर भी रम्या आंटी को धोखा दिया होगा। ये सारा खेल उसी नागिन का रचाया हुआ है आप सबको तोड़ने के लिए। हाँ, ये उसी की चाल है, उसी का बिछाया जाल है। फंस गए सब, फिर फंस गए। शिवन्या बेटा, मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, मैंने तुझ पे शक किया फिर से। कोई बात नहीं,
मैं जा रही हूँ, यज्ञ करूंगी, फिर मेरी शक्तियां वापस आएगी। और इस बार नागिन तू जाएगी। बोलो, जय मां काली। जय मां काली। जय मां। देखा मेरी बहू की सोच। तू इस पे शक करता है, क्या क्या इल्जाम लगाता है, और इसकी सोच देख। ये तुझे जाने से रोक रही है। बस आखिरी बार तुझे माफ कर रहा हूं। आगे से अगर ऐसी कोई भी हरकत की तो चले सारे रिश्ते खत्म। ऋतिक, आज सबके सामने तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। मैंने सिर्फ सही का साथ दिया क्योंकि तुम सही थे। अच्छा ऋतिक, तुम्हें बेड का ये साइड पसंद है ना, आज तुम यहीं सो जाओ। कोई जरूरत नहीं। तो मेरा पिल्लो ले लो, तुम्हें अच्छा लगता है ना। ऋतिक कब तक नाराज रहोगे? देखो शिवन्या, मैंने तुम्हारा सबके सामने इसीलिए साथ दिया था क्योंकि तुम सही थी। अगर तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो मैं ऐसे ही करता, वो बात अलग थी, और ये हालात अलग है। तुमने बता दी हमारी जगह, और यही मेरी जगह। लेकिन ऋतिक मेरी बात तो सुन लो। आज तक वही होते आ रहा है जो तुम चाहती हो। शिवन्या, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी आंखों में कई बार प्यार देखा है मैंने। अब पता नहीं वो प्यार था या कुछ और। पता नहीं बार बार ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती, और मैं जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता तुम्हारे साथ, पर अपने परिवार का दिल भी दुखाना नहीं चाहता। वो हमें पति पत्नी के रूप में देख के खुश है, उन्हें उसी में खुश रहने दो। हम उनके सामने पति पत्नी बन के रहेंगे, पर यहाँ हमारा यही रिश्ता है। ऋतिक, कम से कम बेड पे तो चलकर सो जैसे पहले सोते थे। क्यों? बार बार वही होगा जो तुम चाहती हो। चाहत दोनों तरफ से होती है, कोशिश भी दोनों तरफ से होती है। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, तुम एक कदम पीछे लेती हो। उम्मीद टूट जाती है मेरी, और जिस रिश्ते में उम्मीद नहीं होती, या तो वो रिश्ता अटूट होता या टूटने को। और हमारा तो कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं। मैं प्यार करता रहा, तुम तरस खाती रही, मैं इंतजार करता रहा, बेकार बेमानी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम ये घर और शादी छोड़ के, पर तुम जाओगी कहाँ? तुम यही रहो इसी घर में, मैं अपनी जगह, तुम अपनी जगह, अजनबियों की तरह। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.